प्रतिलेखन संख्या 29 स्टार्ट। सभापति महोदय, यह इस बात पर निर्भर है कि मैं और आप इस प्रश्न को किस नज़र से देखते हैं। सामुदायिक विकास योजना भी हमारी बहुत सी योजनाओं और अच्छी योजनाओं में से एक है। क्या इसमें भी हम अपने हिस्से का काम करके बाकी दूसरों पर या संयोग पर छोड़ देंगे, या इससे कुछ ज़्यादा भी? क्या यह भी ऐसी चीज है जिसे आप एक प्रशासक या विकास कमिश्नर, एक केंद्रीय समिति या योजना कमीशन के रूप में ऊपर से बैठकर चलाएंगे, या कुछ ऐसी चीज है कि आप काम करने के लिए लोगों को नीचे से प्रेरणा देंगे और नीचे से ही शक्तियों को काम करने के लिए उभारेंगे, बिना निश्चित उद्देश्यों के और बिना उचित सामंजस्य के? कई बार जो शक्तियां फूट पड़ती हैं उनसे अच्छे परिणाम भी निकलते हैं और कभी खराब भी। स्पष्ट है कि ऊपर से अच्छे नेतृत्व और अच्छे संगठन का होना बहुत अनिवार्य है, लेकिन अगर नीचे से ताकत नहीं पहुंचती तो यह सब बेकार हो रहेगी। कई बार मुझे शक पैदा हो जाता है और मैं कुछ डर सा जाता हूँ उस नेतृत्व से जो हम, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, ऊपर से दिया करते हैं। हमें सारे देश को, अपने लोगों को और हरेक को अच्छा परामर्श देने की आदत पड़ गई है। फिर भी मेरा अपना यह अनुभव है कि जो बहुत अधिक उपदेश देता है वह लोगों की नज़र में गिर जाता है। इस तरह की बातों से लोग चिढ़ जाते हैं और इस तरह के परामर्श या उद्देश्य से दूसरों का भला नहीं होता, जैसा कि परामर्श देने वाला समझता है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम ऊपर से ही बहुत कुछ करें और उसके लिए कोई मजबूत नींव या नीचे के लोगों से घनिष्ठ संबंध न हो तो हम ऊंचे परिणाम शायद ही प्राप्त कर सके। कुछ न कुछ तो हमें प्राप्त होगा ही। इसलिए समस्या यह हो जाती है कि इन दोनों बातों का मेल कैसे हो। योजना करना, आदेश देना तथा समन्वय करना तो आवश्यक है ही, लेकिन इससे भी अधिक आवश्यक है ऐसी स्थितियां पैदा करना जिनमें नीचे से स्वतः ही विकास हो। मैं नहीं कह सकता कि सामुदायिक योजना ऐसी है कि नहीं जिससे कि ऊपर के लोग दूसरों के साथ मिलकर काम कर सके, लेकिन ऊपर से मेरा आशय यह नहीं है कि कुछ लोग दूसरों से अच्छे हैं। मेरा आशय उन लोगों से है जो दूसरे को मार्गदर्शन करते हैं, संगठन करते हैं,
यह नहीं कि वे दूसरों से किसी भी भांति श्रेष्ठ हैं और दूसरों से मेरा आशय उन लाखों करोड़ों लोगों से है जो स्वयं काम करते हैं। फिर भी मैं यह अनुभव करता हूँ कि संगठन संबंधी नेतृत्व भी उस गेंद की तरह से न हो जो ऊपर से नीचे लोगों के लिए फेंकी जाए। मेरा कहने का आशय यह है कि सामुदायिक योजनाओं की पहल जहां भी संभव हो उन्हीं लोगों की तरफ से हो जिन पर स्वयं इस योजना का प्रभाव पड़ने वाला हो। सभापति महोदय, प्रायः हम अपने अपने कमरों में बैठकर उन चीज़ों के बारे में निर्णय करते हैं जिन्हें हम लोगों के लिए अच्छी समझते हैं। मेरे विचार में सोचने का काम भी लोगों पर ही छोड़ देना चाहिए और उनके सोचने का हम पर प्रभाव पड़ेगा और हमारे सोचने का उन पर। इस तरीके से कोई जीवंत और सुगठित चीज़ पैदा होगी जिसके बारे में सबकी बड़ी निकट की साझेदारी की भावना होगी और साझेदारी केवल काम के पूरा करने में ही नहीं बल्कि काम के पैदा करने और काम के बारे में सोचने में भी साझेदारी होगी। यह ठीक है कि आप या हम में से कुछ लोग अधिक प्रशिक्षित होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने समस्या के बारे में दूसरों से अधिक सोचा होगा और कुछ सीमा तक उस तरह के काम के बारे में सोचने और नेतृत्व देने के बारे में मुझसे या आपसे अधिक योग्य होंगे। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि जब उन लोगों में जो कि विशेषज्ञ नहीं हैं लेकिन जिनके लिए आप काम करते हैं और अंततः जो स्वयं अपने लिए काम करेंगे, स्वयं सोचने और काम करने की रचनात्मक भावना पैदा नहीं होगी, वे तब तक वैसा काम नहीं करेंगे जैसा कि हम चाहते हैं। मैं ऐसा अवश्य सोचता हूँ कि सामुदायिक योजनाएं बहुत अधिक महत्व रखती है और यह केवल इसलिए नहीं क्योंकि आप कागज़ पर इस तरह की योजना की बड़ी बड़ी कामयाबी दर्ज कर सकते हैं और मैं आशा करता हूँ कि ये सफलताएं आवश्यक होंगी। जैसे कि बहुत सारा गल्ला पैदा होगा, मकान, स्कूल, अस्पताल, बढ़िया सड़कें, तालाब, कुएं और अन्य चीज़ें बनेंगी। आप इस तरह की चीज़ों की सूची बना सकते हैं जिसे देखकर खुशी होगी। लेकिन मेरा दिमाग इन चीज़ों से आगे बढ़कर आदमी, औरतों और बच्चों की तरफ जाता है। मेरा दिमाग कोई घर अच्छा बना हो सकता है लेकिन वास्तव चीज यह है
कि घर बनाया किसने, न कि मकान मालिक या उसमें रहने वाला। इसलिए मेरा ख्याल बनाने वाले की तरफ दौड़ता है। हम चाहते हैं कि सारे भारत के लोग बनाने वाले या निर्माणकर्ता बने। मेरे लिए ये सामुदायिक योजनाएं बहुत महत्व रखती हैं। सिर्फ इनसे होने वाले भौतिक लाभों की वजह से नहीं, बल्कि बहुत कुछ इस वजह से कि इनका उद्देश्य इंसान और समुदाय का निर्माण करना है और इंसान को इस लायक बनाना है कि वह अपने गांव और व्यापक अर्थ में समूचे भारत का निर्माण कर सके। तो फिर हम किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं? बड़ी बड़ी बातों और वाद विवादों से नहीं। यह ठीक है कि इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं काफ़ी सोच और विचार विमर्श के बिना नहीं बन सकती, और मुझे खुशी है कि इनके बारे में पिछले 2-3 महीनों में काफ़ी चर्चा हुई है और इसका अच्छा परिणाम निकला। हम ऐसा न सोचने लगे कि योजना और संगठन करना ही काम का बहुत बड़ा हिस्सा है।